डायरेक्टर धर्मेश दर्शन की फिल्म राजा हिंदुस्तानी को रिलीज हुए 21 साल 15 नवंबर पूरे हो गए हैं। फिल्म में आमिर खान और करिश्मा कपूर लीड रोल में थे। इस फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं। इन्हीं में से एक किस्सा ये भी है कि फिल्म के गाने तेरे इश्क में नाचेंगे के लिए आमिर खान 1 लीटर वोदका पी गए थे ताकि गाने में रियलिटी नजर आ सके। इस फिल्म में आमिर और करिश्मा का किसिंग सीन भी उस वक्त बीटाउन में चर्चा का विषय बना था। लीड एक्ट्रेस के लिए करिश्मा नहीं थी डायरेक्टर की पहली पसंद। 1996 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी में लीड एक्ट्रेस के लिए करिश्मा कपूर डायरेक्टर की पहली पसंद नहीं थी। धर्मेश दर्शन ने ये फिल्म पहले ऐश्वर्या राय को ऑफर की थी, लेकिन इस वक्त तक ऐश डिसाइड नहीं कर पाई थी कि उन्हें एक्टिंग में अपना करियर बनाना है या नहीं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। इसके बाद जूही चावला को ऑफर दिया गया, लेकिन उन दिनों आमिर खान के साथ जूही की किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी, इसलिए उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था। इसके बाद डायरेक्टर ने पूजा भट्ट को लेने की सोची, लेकिन आमिर ने डायरेक्टर से ऐसी एक्ट्रेस को लेने को कहा जिनके साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर नहीं की हो, और धर्मेश ने करिश्मा कपूर को साइन कर लिया। रियलिटी लाने के लिए आमिर ने ऐसा किया। फिल्म का गाना तेरे इश्क में नाचेंगे में आमिर को नशे में दिखाया गया है। इस गाने में रियल फील लाने के लिए आमिर खान 1 लीटर वोदका पी गए थे। इस गाने के बाद एक सीन और होना था जो शूट नहीं किया गया था। सीन ये था कि गाना खत्म होने के बाद राजा आमिर खान वाइफ करिश्मा कपूर के घर से रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं। स्टेशन पर कई भिखारी बैठे रहते हैं, उन्हीं से एक आमिर की हालात देखकर कैफी आजमी का एक शेर पड़ता है, लेकिन क्रू मेंबर की सलाह पर ये सीन शूट नहीं किया गया। उनका मानना था कि ये सीन फिल्म के लिए सही नहीं होगा। फिल्म राजा हिंदुस्तानी में काम करने के लिए पहले आमिर खान भी तैयार नहीं थे, लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि ये फिल्म कमर्शियली अच्छी जाएगी। इस फिल्म में आमिर करिश्मा के किसिंग सीन को बॉलीवुड फिल्म का सबसे लंबा किस सीन माना जाता है। इस सीन को शूट करने से पहले डायरेक्टर चिंता में थे, वे नहीं चाहते थे कि सीन वल्गर लगे, इसलिए इस सीन को बिना किसी ड्रामा के कम म्यूजिक में शूट किया गया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर धर्मेश आमिर के काम से काफी इम्प्रेस हुए थे। उन्होंने आमिर से कहा था, तुम्हारे अंदर दिलीप कुमार नजर आता है। गुजरे जमाने की एक्ट्रेस माला सिन्हा की बेटी प्रतिभा सिन्हा ने इस फिल्म एक आइटम नंबर किया था। परदेशी परदेशी गाने के लिए धर्मेश के दिमाग में प्रतिभा का नाम सबसे पहले आया था। प्रतिभा उनके बचपन की दोस्त हैं। धर्मेश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रतिभा से ये गाना करवाने के लिए उन्होंने उनसे कहा था कि लोग तुम्हें तुम्हारी फिल्मों से नहीं बल्कि इस गाने से याद करेंगे। इस फिल्म में करिश्मा कपूर को उनकी एक्टिंग के साथ उनके मेक ओवर के लिए भी जाना जाता है। इस फिल्म के लिए करिश्मा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। बता दें कि ये फिल्म 4 घंटे 24 मिनट की थी, लेकिन इसे एडिट करके 2 घंटे 54 मिनट की गई थी।